लास्ट वीडियो में हम मानव श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मानव श्वसन तंत्र की संरचना पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट सेकंड है मानव श्वसन तंत्र का और चैप्टर नंबर 17 है श्वसन और गैसों का विनिमय, वही चल रहा है। ये पार्ट नंबर कौन सा है? सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मानव श्वसन तंत्र की हमने क्या पढ़ी थी? संरचना पढ़ी थी। देखिए वापस से रिवाइज कर लेते हैं। मानव श्वसन तंत्र की संरचना क्या थी? अगर इस तरह पूछे कि कहाँ होता है मानव श्वसन तंत्र, तो ये कोई मानव समझ लो इस तरीके से। ठीक है भाई, तो इसकी ये जो स्थिति होती है यहाँ पर, इस ऊपर के स्तर को क्या बोलते हैं भाई? रक्त स्तर। वो ये एक पेशी होती है, बाद में पढ़ेंगे इस पेशी को, डायफ्राम बोलता है। ठीक है भाई, और ये कौन सा हो जाएगा? उदरीय स्तर। तो जो आपका जो श्वसन तंत्र होता है वो कहाँ होता है? रक्षक स्थल में होता है। ये इस प्रकार से नाक से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये इसके नाक से होते हुए कुछ इस तरीके से पढ़ा था कल हमने मानव श्वसन तंत्र को। ठीक है भाई, यहाँ कौन होता है? आपका हृदय होता है। ठीक है, कहाँ स्थित होता है? रक्षक स्थल में। और कौन सी स्थिति बताई थी भाई? T5 बोले तो जो कशेरुक दंड होती है, जो टुकड़ों में बटी होती है, जो पांचवी नंबर कशेरुक दंड होती है, वहां पर ये श्वास नली दो श्वसनियों में क्या हो जाती है भाई? विभाजित होते हो जाती है। ये कल पढ़ा था, दो फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। जो दायां फेफड़ा होता है वो तीन लूप्स में बटा होता है, जो बायां फेफड़ा होता है वो दो लूप्स में क्या होता है? दो पाले में क्या होता है? बटा होता है। रक्षस्थल में उपस्थित चले जाता तो हो गया था। नेक्स्ट, अब अंदर की सरसा देखो, अंदर किस तरीके से उपस्थित रहता है। ये कोई अगर इंसान है, अगर यहाँ से इसको बीच में से इस तरीके से काट दिया जाए तो आपको ऊपर से किस प्रकार से दिखाई देगा? ठीक है भाई, एक बात ये याद रखना कि ये जो आपकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है उसको क्या बोलते हैं? देह गुहा बोलते हैं। देह गुहा बोले तो अगर फेफड़े वगैरह सारा कुछ भूल जाओ, अगर इसके अंदर ऐसे खाली देखे तो एक आपको क्या दिखाई देगा? ड्रम दिखाई देगा। ड्रम जिससे इस तरीके से ड्रम तरीके से खाली क्या होती? सरसना होती, उसी को क्या बोलते हैं? देह गुहा। इस ड्रम के अंदर ही आपके फेफड़े वगैरह सारे ऑर्गन क्या होते हैं भाई? पड़े रहते हैं। ठीक है भाई, तो अगर ये आपको यहां से कट कर दिया जाए तो पूरा पहले एक ड्रम खाली दिखाई देगा, खाली ड्रम इस तरीके से, ये देखो। अगर इस इंसान को यहां से ऊपर से कदे कदे से देखो, यहां से क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए तो ऊपर से आपको किस तरीके की संरचना दी गई? जैसे ही आपको यहां से ऊपर से काट दिया जाए और फिर ऊपर से यहां से देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या खाली दिखाई देगा? ये सबसे पहले ड्रम दिखाई देगा। इस ड्रम के अंदर ही आपके क्या पड़े रहते हैं? फेफड़े पड़े रहते हैं। ये देखो इस तरीके से ये ड्रम हो गया। अब दो फेफड़े, तो इस तरीके से दो फेफड़े क्या होंगे? दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो ड्रम होता है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? इस तरीके से कवरिंग पाई जाती है, एक प्रकार का स्तर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो फेफड़े होते हैं फेफड़ों के चारों ओर भी इस तरीके से क्या पाया जाता है? कवरिंग पाया जाता है। ये जो ड्रम है जो इसको क्या बोल दोगे? वृक्ष गुहा। ठीक है भाई, वृक्ष स्तर। यहाँ पे जो जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोल दोगे? पेराइटल। और ये जो फेफड़ों के चारों तरफ लगी होती है उसको क्या बोल दोगे? विसरम। जिस तरीके से आपने हृदय का पेरिकार्डियम पढ़ा था उसका सुरक्षात्मक आवरण, ये भी एक तरीके से इनका क्या होता है? सुरक्षात्मक आवरण ही होता है, क्योंकि आपके फेफड़े ही अभी गुब्बारे है, जैसे कि मांसपेशियों से बने गुब्बारे है, कोई भी उसके अंदर हड्डी पसले वगैरह उसके अंदर भी कुछ नहीं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होती है? झिल्लियां होती है। ये टूटी फूटी नहीं होती है, मैं बस आपको अलग से दिखाने के लिए इस तरीके से बनी। ठीक है भाई, जो देह गुहा है बोल दो या वृक्ष स्थल बोल दो उसके चारों तरफ तो कौन सी होती है? पेराइटल। और जो फेफड़ों के चारों तरफ होती है वो कौन सी होती है? विसरम। इन दोनों के मध्य क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल द्रव। प्लूरल द्रव, यहां पर क्या भरा रहता है? लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल द्रव, प्लूरा।
और इस विसरल और पेरिटल को मिलकर ही बार क्या बोल सकते हो, प्लूरा बोल सकते हो, जो पेप्टो का क्या होता है भाई, सुरक्षात्मक आवरण होता है। इस तरीके से क्या रहता है आपको ड्रम के अंदर दिख रहा है, ठीक है। अब एक ये बड़ी बात देखो, हमेशा याद रखना, अगर साइड की पूछे तो इंसान का जो आगे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल भाग। जो पीछे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, डोर्सल। जहां जीवों की नाक होती है आगे की तरफ उसको तो क्या बोलते हैं, वेंट्रल पार्ट। और जो बाहर पीछे का पीठ का तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, डोर्सल। ऊपर का जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर। और नीचे का जो इस तरह मतलब दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर। मतलब किसी भी अंग की किसी भी भाग की अगर स्थिति बतानी हो तो इस तरीके से बोल सकते हो, पोस्टीरियर, एंटीरियर, वेस्ट्रल या डोर्सला। आपकी कसरप दंड है जो डोर्सल साइड में होती है, आपकी जो इसोफेगस होती है वो इंटेस्टाइन होती है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं आपके विसरल पार्ट में होते हैं, वेंट्रल पार्ट में होते हैं, इस तरीके से स्थिति बताने की, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, पीछे वाला डोर्सल पार्ट। अब देखो यार, आपको हमने कैसे काटा था, या ऊपर से काटा था, काट के यार इस भ्रम को रुक गया। तो ये कौन सा भाग होगा, डोर्सल भाग, और ये कौन सा भाग होगा, वेंट्रल पार्ट। ये जो वेंट्रल भाग होता है यहाँ आपके सामने से आपको क्या दिखाई देगी, हड्डी दिखाई देगी, इस तरीके से वी शेप में क्या होगी, हड्डी दिखाई देगी। हमने जब हाइट पढ़ा था तब इस स्टनम को पढ़ा, इस हड्डी को पढ़ा था, जो कहाँ होती है, छाती के अंदर, चेस्ट बोन बोलते हैं उस चेस्ट बोन का हमने नाम क्या दिया था, स्टनम, स्टनम बोला था। और पीछे ये कौन है, कशेरुक दंड है यार। पीछे से हाथ लगा के देखोगे तो आपको यहाँ पीछे से अब एक दिखाई दे रही है, हड्डी दिखाई दे रही है, वही क्या, ये कशेरुक दंड है। जो आपकी कहाँ है, डोर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में तो कौन है, स्टनम है, और डोर्सल साइड में कौन है, कशेरुक दंड है। वो इस तरीके से यहाँ छोटी छोटी क्या निकलती है, इस तरीके से रिब्स निकलती है, पसलियां निकलती है, जिसका क्या काम होता है भाई, हृदय और फेफड़ों को क्या करता करना भाई, सुरक्षा प्रदान करना। इस तरीके से चारों तरफ से क्या करती है, गहरी रहती है, इस तरीके से ये पीछे की तरफ स्टनम से एक पेशी निकलेगी और वो पीछे जाकर किससे जुड़ जाएगी भी, इस कशेरुक दंड से। इस प्रकार से यहां से निकले यहां पद, यहां से निकले यहां पद, इस तरीके से पूरा फेफड़ा और हृदय को क्या करती है, इस तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। जब तो आप कहीं पर भी अगर भीड़ जाओ, आपको उनका वगैरह लग जाए तो ये फेफड़ों को नुकसान ना पहुंचे, फेफड़े पिचके नहीं, इसके लिए क्या पाया जाता है, पसलियों का झाल पाया जाता है, इनको सुरक्षा प्रदान करने की, ठीक है। ये विसरल और पेरिटल याद रखना, ये एक प्रकार की क्या होती है, झिल्लियां होती है, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के चारों ओर तो कौन होती है, विसरल होती है। जो आपके वृक्ष स्थल होते हैं, जो ड्रम होता है, जो देह गुहा होती है, वहां कौन सी होती है, पेरिटल। और इन दोनों के मध्य कौन भरा होता है, प्लूरा भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, ठीक है। जो दोनों फेफड़े होते हैं उनके मध्य कौन होती है, स्टर्नम बोन होती है, हड्डी होती है। इससे किस प्रकार की रिप्स, गोलाकार पसलियां निकली होती है, जो पीछे जाकर किसके किससे जुड़ जाती है, कशेरुक दंड से, ठीक है भाई। ये सब आपको संरचना क्रियाविधि समझने के लिए क्या होंगे, जरूरी होंगे, आपको याद रखना, ठीक है। अब एक बोल मांसपेशियां कौन कौन सा, एकदम देख भाई, ये मान लेते वापस से बना लेते हैं, ये आपके स्टर्नम हो गए, और पीछे या डोर्सल साइड पर कौन हो जाएगा, कशेरुक दंड। पीछे की तरफ कौन है, कशेरुक, रीढ़ की हड्डी, और इसको क्या बोल दोगे, स्टर्नम, ये स्टर्नम, ठीक है। ये क्या लिख ली गई इस तरीके से, लिप्स, ये इस तरीके से क्या होती है, निकली रहती है, हड्डी निकली रहती है, हड्डी क्या, पसलियां निकली रहती है, ठीक है भाई। देखो ये सारी चीजें आपको पहले से समझ में आनी चाहिए, कि मैकेनिज्म में समझाऊंगी तब यही करूंगी, वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है की ओर गति करता है, जब आप सांस लेते हो तो ये मूवमेंट दिखाई देती है, मूवमेंट क्यों होती है, ये सब समझने के लिए आपको पहले अंदर के जो संरचना होती है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से पसलियां निकली रहती है, इन पसलियों के मध्य क्या होती है, मांसपेशियां निकली रहती है, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ अंदर की तरफ कौन होंगे भाई, दोनों फेफड़े होंगे, अंदर फेफड़े हैं, और फेफड़ों के चारों तरफ पसलियों का क्या है भाई, झाल होता है, उसके अंदर क्या है, ये दोनों फेफड़े जुड़े हुए, ये फेफड़े। ये क्या होता है, फेफड़े। अब देखो ये माना, ये कोई आपकी दो क्या होती है, इस तरीके से क्या है, पसलियां होती है, ठीक है। तो
तो इन पसलियों के इधर की तरफ भी क्या होगी, मांसपेशियां, और पीछे की तरफ भी क्या होगी, मांसपेशियां। जो बाहर की तरफ मांसपेशियां होगी, मतलब इधर क्या है, फेफड़े, फेफड़ों की तरफ जो मांसपेशियां है उसको तो क्या बोल दोगे, अंतरा पशुक पेशियां, ठीक है। और जो बाहर की तरफ है उसको क्या बोल दोगे, बाह्य पशुक पेशियां, अंतरा पशुक पेशियां, बाह्य पशुक पेशियां। फेफड़ों की तरफ जो पेशियां होती है पसलियों के मध्य, इस तरीके से बहुत सारी पसलियां जोड़ी, पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है, जो आपके हृदय और फेफड़ों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इन पसलियों के मध्य कौन सी पेशियां होती है, पशुक पेशियां। जो अंदर की तरफ होगी, फेफड़ों की तरफ होगी, उसको तो बोल दोगे आंतरिक अंतरा पशुक पेशियां। जो बाहर की तरफ होगी उसको क्या बोलोगे, बाह्य अंतरा पशुक पेशियां। आपके जो श्वसन के अंदर होता है दो विशेष प्रकार की मांसपेशियों का, हड्डियों में तो देख लो ये पसलियों का काम है, ठीक है। पसलियों के अलावा मांसपेशियां भी होती है, जो इस मूवमेंट के लिए क्या होती है, मूवमेंट के लिए काम आती है, ठीक है। जो मांसपेशियां होती है, दो प्रकार की मांसपेशियां आपके श्वसन तंत्र के अंदर, एक तो होती है डायफ्राम, जो आपके वृक्ष स्थल और उदरीय स्थल को क्या करती है, अलग करती है। आपको पूरी तरीके से हड्डी भैया बीच में, वृक्ष स्थल और उदरीय स्थल को दोनों को बीच में से अलग करिए, उसको क्या बोलोगे, डायफ्राम। ये एक प्रकार की मांसपेशी, इसका भी योगदान होगा इस तरीके के मूवमेंट के अंदर। दूसरी जो मांसपेशियां होती है वो होती है अंतरापशुक पेशियां। ये जो अंतरापशुक पेशियां होती है वो दो पसलियों के मध्य, दो दो पसलियों के मध्य कौन होती है, अंतरापशुक पेशियां। जो अंतरापशुक पेशियां किस तरफ होगी, फेफड़ों की तरफ, उसको क्या बोलोगे, आंतरिक अंतरापशुक पेशियां। और जो पेशियां बाहर की तरफ होगी उसको क्या बोल दोगे, बाह्य अंतरापशुक पेशियां। जो इसका जो डायफ्राम मांसपेशी होती है, इसका काम होता है नीचे की तरफ आयतन, वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ाना, और इन अंतरापशुक पेशियों का ऊपर की तरफ वृक्ष गुहा का क्या करना, आयतन बढ़ाना, ठीक है भाई। ये कौन सी पेशियां होती है, अंतरापशुक पेशियां, अंतरापशुक पेशी, ठीक है। अभी मैं सीधा बोलूंगी ना भाई, कहा अंतरापशुक पेशियां, मैकेनिज्म सीधा आएगा आपके, अंतरापशुक पेशियां, डायफ्राम, स्टर्नम वगैरह, तो आपको पहले से पता होना कि चाहिए कि भैया कहाँ कहाँ कैसे स्थित है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन क्रियाविधि जो जो स्टार्ट होने का काम होता है वो किससे होगा भी, डायफ्राम के संकुचन से। देखो श्वसन के लिए अंदर आपको करना क्या है, पीपा सोचो, श्वसन करना है। श्वसन करने का मतलब क्या है, बाहर के जितने वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको क्या करना, ग्रहण करना वही, और CO2 को क्या करना, बाहर निकालना। मतलब पूरा का पूरा श्वसन तंत्र सिंपल सा ये है कि आपको गैसों को लेना है और वायु को बाहर छोड़ना, वायु को ग्रहण करना, वायु को बाहर छोड़ना, ये क्या है, श्वसन। अब वायु को ही ग्रहण करना है, वायु को ही छोड़ना है, तो वायु की प्रकृति समझो कि वायु किस प्रकार, अब जैसे कोई खाली ड्रम रख दो उसके अंदर वायु आएगी या जाएगी क्या, तो आपके शरीर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि वायु को आपने मन किया दौड़ते दौड़ते आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई और आपने जब मर्जी किया तब वो बाहर निकल गई। उनके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होती होगी, कुछ ना कुछ वजह होती होगी, तो आपकी ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और CO2 बाहर निकलती है। तो इसके लिए आपकी वायु को प्रकृति समझना है, वायु की जो गति होती है, वायु समझ लो जैसे कि हवाएं नहीं चल रही होती है, ये कैसे चलती है, ये चलती है आपके उच्च दाब से क्या होगी, निम्न दाब की ओर क्या करेगी, गति करेगी, ठीक है। हवाएं, वायु, मेरा गैसें वगैरह हमेशा जो भी जितने ये होती है इनकी प्रकृति, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती है, गति करती है। तो आपका शरीर क्या करेगा, दाब को कम ज्यादा करेगा, जो भी वायुमंडल का दाब है उस वायुमंडलीय दाब को तो कम ज्यादा करेगा नहीं, शरीर का काम है शरीर को वायु लेने, तो शरीर ही अपने अपने वायुदाब को कम करेगा या ज्यादा करेगा वायु को बाहर निकालने और ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो जो वायुमंडलीय दाब है उस दाब के अनुसार शरीर अपना जो फेफड़े है अपना दाब क्या करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, जिससे वायु क्या करती है, अंदर या बाहर की तरफ प्रवेश करती है। अब ये बड़ी सी बात यह है कि किसी भी वस्तु आकार समझ लो उसका दाब वायुदाब कब कम या ज्यादा होगा, तो इसके लिए आपको फिर से याद करना है, केमिस्ट्री को थोड़ा वापस से याद करना है, बॉयल नियम को। आपकी केमिस्ट्री में एक बॉयल नियम आता है दाब के लिए, उनके अनुसार आकार जितना बड़ा होगा, देखो आकार बड़ा तो दाब क्या हो जाएगा, कम, और अगर आकार छोटा होगा, आकार कम तो दाब क्या होगा भी, ज्यादा। देखो
मान लीजिए कोई कंटेनर ये, इसके अंदर भी 10 है, 10 गैसों के अणु और इसके अंदर भी 10 गैसों के अणु, तो ज्यादा दाब कौन लगाएगा? एक तो ये लगा रहे, इसके अंदर ये क्या मोटा सा ड्रम है, ये गैसों के अणु इसके ऊपर दाब लगा रहा है, और ये एक छोटा ड्रम है जिसके अंदर गैसों के अणु, तो जो जिसका आकार बड़ा होगा उसके अंदर गैसों का दाब भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन जिसका आकार छोटा होगा उसके अंदर दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब सोच के देखो, देखो बाहर कोई वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, अब बाहर से आपको ऑक्सीजन क्या करनी है, अंदर लेनी, तो आपके फेफड़ों का दाब कैसा होना चाहिए, फेफड़ों के अंदर वायु दाब कैसा होना चाहिए, वृक्ष गुहा के अंदर वायु दाब कैसा होना चाहिए, कम होगा। आपके वृक्ष गुहा के अंदर फेफड़ों के अंदर जब वायु दाब कम होगा और वायुमंडलीय दाब बाहर का दाब ज्यादा होगा, तो अपने आप वायु वायु क्या करेगी, भाई उधर दाब का, इधर दाब ज्यादा है, इधर दाब कम है, तो अंदर की तरफ क्या करेगी, प्रवेश करेगी। और अंदर दाब कम करने के लिए आपको अपने फेफड़ों का आकार क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो फेफड़ों का आकार आप किस प्रकार बढ़ाओगे वो आप करते हैं, ठीक है, ये तो दिमाग में आ गया ना भाई कि आपको ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेना। देखो सबसे पहले हम ये करेंगे, CO2 को बाहर निकालना पहले नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ग्रहण करना, वायु को अंदर की तरफ ग्रहण करना, उसको क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन। सबसे पहले अंतःश्वसन से स्टार्ट करें। अब पहले मोटी शर्त की वायु हमारे शरीर के अंदर कब प्रवेश करेगी, जब हमारे फेफड़ों का आकार क्या होगा, कम होगा, हमारे फेफड़ों का वृक्ष गुहा का आकार क्या होगा, कम, सॉरी आकार क्या होगा, ज्यादा, फेफड़ों का वृक्ष गुहा का आकार क्या होगा, ज्यादा। तो जब आकार ज्यादा होगा तो अंदर का वायु दाब क्या हो जाएगा, कम होगा। क्या पढ़ा हमने, आकार जितना ज्यादा दाब उतना कम, ठीक है। जैसे ही हमने अपने फेफड़ों का वृक्ष गुहा का आकार क्या किया, ज्यादा किया, तो दाब क्या क्या हो गया, कम, किससे, वायुमंडलीय दाब से। जैसे ही दाब के अंदर उच्च अंतर आया तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु अंदर की ओर क्या कर जाती है भाई, प्रवेश करती है। अब हमें यह समझना है कि हम फेफड़ों का आकार, वृक्ष गुहा का आकार बढ़ाएंगे कैसे। तो आकार बढ़ाने के लिए कौन सी मांसपेशियां, दो प्रकार की मांसपेशियां उत्तरदायी होती है, एक तो डायफ्राम और दूसरी अंतरापशु पेशियां, ठीक है। लिख देते हैं वापस, श्वसन क्रिया विधि, पहले क्या पढ़ेंगे हम, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डायफ्राम पहले कर लेते हैं। डायफ्राम का क्या होगा, संकोचन। देखो डायफ्राम में देखो क्या होगा, ये आपके चेस्ट के बेटी, ये इसका मुंह, अरे ये बड़ा विकार बन गया, ये कोई बंदा है, ये इसके चेस्ट के बेटे, ठीक है। तो ये डायफ्राम क्या होती है, इस तरीके से यहाँ ये आपके अंदर ये देख लो, ये क्या हो गया, ड्रम हो गया, देह गुहा हो गई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, देह गुहा, सिलोम कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर आपके जो अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है, खाली ड्रम होता है। इस ड्रम के अंदर ही आपके सारे ऑर्गन होते हैं, फेफड़े हुए, हड्डियां वगैरह जितने भी सारे, ये सब इसी ड्रम के अंदर होते हैं। तो इस ड्रम के अंदर, इसके ड्रम के बीचों बीच से एक मांसपेशी निकलती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम अपनी स्थिति भी ऐसी ही रहता है, जैसे ये क्या होगा, संकुचित, तो ये इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो इस वृक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया भाई, बढ़ गया। तो हमें वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ाना ही तो है। जैसे ही डायफ्राम संकुचित होगा, देखो ये आपका क्या है भाई, चेस्ट कैविटी है, तो ये ऊपर ये और ये, इस प्रकार से डायफ्राम रहता है आपके, इस प्रकार से डायफ्राम, ठीक है। जैसे ये संकुचित होगा, ये नीचे की ओर क्या कर लेगा, गति। अगर ये ऐसे सीधा रहता है ना, तो ये अंदर की ओर संकुचित होगा, तो ये कैसा होगा, इस तरीके से नीचे की ओर मुड़ जाएगा। जैसे ये नीचे की ओर जाएगा, संकुचित होगा, तो इस वृक्ष गुहा का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसा हम संकुचन, तो वृक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़िया। एक मांसपेशी का काम हो गया। दूसरी मांसपेशी बाह्य अंतरापशु पेशियां, बाह्य अंतरापशु पेशियां, बाह्य अंतरापशु पेशियों में क्या होगा, संकुचन। इस तरीके से क्या निकली, पसलियां निकली हुई, ठीक है भाई। और यहां बाहर की तरफ कौन है, बाह्य अंतरापशु पेशियां। ये जब बाह्य अंतरापशु पेशियां क्या होगी, संकुचित हो गई। संकुचित बोले तो ये पेशियां ऊपर, पसलियों को ऊपर की ओर क्या करेगी, खींचेगी। जैसे ही ये
फिर से संकुचित होगी तो विपश्यना क्या करेगी, ऊपर की ओर गति करेगी। देखो श्वसन लेकर देखो, जैसे आप सांस लेते हो अंदर गहरी सी, तो आपका ये जो वृक्ष कुहा का आयतन है ऊपर की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये वृक्ष कुहा का आयतन को ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए कौन कर रही है, अंत बाह्य अंतरापशुक पेशियां। जैसे ही बाह्य अंतरापशुक पेशियों में क्या होगा, संकुचन, तो आपकी जो पसलियां है वो ऊपर की ओर क्या करेगी, गति करेगी। जैसे ही पसलियां, देखो क्या हो रहा है, वृक्ष कुहा का आयतन बढ़ाने के लिए अब बाह्य अंतरापशुक पेशियां क्या कर रही है, ऊपर की ओर गति कर रही है, ऊपर की ओर जगह बना रही है, ऊपर की ओर बढ़कर वृक्ष कुहा का आयतन क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है, इतना बने बढ़ेगी, इतने बढ़ेगी, ठीक है। और आपकी जो ये डायफ्राम है जो यहाँ पर पेट और वृक्ष कुहा के बीच में, वो क्या करेगी, नीचे की ओर क्या करेगी, गति करेगी। नीचे की ओर क्या होगी, संकुचित होगी। तो एक तो इधर से जगह बन गई और ये ऊपर करते होते इस तरीके से वृक्ष कुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही वृक्ष कुहा का आयतन बढ़ता है तो इसके अंदर वायुदाब क्या होता है, घट जाता है। जैसे ही वायुदाब घटता है बाहर की वायु क्या कर लेती है, अंदर की ओर प्रवेश कर लेती है, क्योंकि बाहर का वायुमंडलीय दाब ज्यादा रहता है अंदर की अपेक्षा, ठीक है। संकुचन तो क्या होगा, वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से वायुदाब क्या होगा, घट जाता है। कोष्टक में लिख देना, वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा, वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा, ठीक है भाई। वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा आपके वृक्ष कुहा का दाब क्या होगा, घट जाएगा और वायु क्या करेगी, अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगी। ये आपका क्या हो गया अभी, निःश्वसन। अगर आपको निःश्वसन क्लियर हो गया, तो निःश्वसन को क्लियर करने के लिए आपको सिंपल सी चीजें क्या याद रखनी है, एक तो वायु की प्रकृति, कि वायु की प्रकृति क्या होती है, कि वायु तभी गति करेगी जब दाब में क्या होगा, अंतर होगा, और ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती है, गति करती है। क्लियर, ये पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना। सबसे पहला पॉइंट क्या क्लियर करना है, कि वायु की गति उच्च दाब से निम्न दाब की ओर करती है, ठीक है। दूसरा आपको याद करना है कि भाई दाब क्या करना है, कोई कम का ज्यादा करना वायु दाब, और वायु दाब कम ज्यादा कब होगा, जब वृक्ष कुहा का आयतन क्या होगा। इसके लिए आपको बॉयल का नियम याद करना है। वापस बॉयल का नियम क्या कहता है, कि जब भी किसी पात्र, जब भी किसी ऐसे किसी स्थान का जब आकार ज्यादा होता है तो वायु दाब क्या होता है, कम। आकार जैसे जैसे कम होता है वायु दाब क्या बढ़ता है, बढ़ता जाता है। तो अब हमें याद आया कि हमें अपने फेफड़ों का आकार क्या करना है, ज्यादा करना है, फेफड़ों का आकार बढ़ाना है, वृक्ष कुहा का आयतन बढ़ाना है। तो वृक्ष कुहा का आयतन बढ़ाओगे तभी वायु दाब अंदर का क्या होगा, कम, किसकी अपेक्षा, वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा, ठीक है। क्लियर हो गया बात, फेफड़ों का आयतन क्या करना है, वृक्ष कुहा का आयतन क्या करना है, बढ़ाना है। अब वृक्ष कुहा का आयतन बढ़ाने के लिए कौन सी पेशियां, दो प्रकार की पेशियां काम करती है। एक तो करती है डायफ्राम, जो आपके वृक्ष स्थल और उदर स्थल को क्या करती है, अलग करती है। दूसरी होती है अंतरापशुक पेशियां, जो आपकी पसलियों के मध्य क्या होती है, लगी रहती है। उन पसलियों, इन पेशियों के अंदर संकुचन के कारण कौन कौन सी, डायफ्राम और बाह्य अंतरापशुक पेशियां। हमेशा याद रखना, ये जो अंतःश्वसन है, अंतःश्वसन में हमेशा बाह्य अंतरापशुक पेशियां काम करती है, आंतरिक अंतरापशुक पेशियां नहीं, ठीक है। जब बाह्य अंतरापशुक पेशियां और डायफ्राम के अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। जैसे ही संकुचन होगा वृक्ष कुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वृक्ष कुहा का आयतन बढ़ा, आकार बढ़ा, तो दाब क्या हो गया, कम, और वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, ज्यादा। जैसे ही वायुमंडलीय दाब ज्यादा और वृक्ष कुहा का दाब कम हुआ, तो बाहर की वायु अंदर की ओर क्या करती है, प्रवेश करती है, और क्या हो जाता है, निःश्वसन, ठीक है। अब श्वसन में तो इतना ही था ना भाई, ग्रेस वायु को ग्रहण करना और वापस बाहर निकलना, तो आपने आधा तो सीख ही लिया, वायु को प्रवेश करना। अब वापस निःश्वसन, दूसरा क्या आ जाएगा, निःश्वसन के अंदर क्या करना है भाई, CO2 को बाहर निकालना है। अब जो जो स्थिति आपने वहां यहां पढ़ी थी उसके क्या कर दो, विपरीत कर दो। जैसे इसके विपरीत करोगे तो वो अपने आप वापस आ जाएगा। अगर ये एक पार्ट आपको क्लियर है तो दूसरा तो आपको अपने आप आ जाएगा। वापस से क्या करना है, डायफ्राम का क्या करना है, संकुचन है, तो डायफ्राम का क्या कर दो, डायफ्राम वापस कहां आ जाएगा, सामान्य स्थिति में, ठीक है। डायफ्राम सामान्य स्थिति में, और दूसरा आंतरिक अंतरापशुक पेशियां, आंतरिक अंतरापशुक पेशियां
पेशियों में क्या होगा भाई, संकुचन। तो वृक्ष गुहा का आयतन कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाता है, जिससे वायुदाब बोलिए बढ़ जाता है। अब आपकी वृक्ष गुहा के अंदर वायुदाब क्या हो गया, बढ़ गया, किसकी अपेक्षा, वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा। तो जैसे यहां उच्च दाब हुआ आपके बॉडी के अंदर, बाहर वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, कम, तो अंदर की वायु क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और ये आपका कंप्लीट हो गया श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का केवल एक पार्ट, कल हमने पढ़ा था कि श्वसन तंत्र जो श्वसन की क्रियाविधि है, जो चार चरण पूरी होती है, पहला चरण ग्रहण करना अंदर श्वसन, बाहर निकलना बाह्य श्वसन, सॉरी अंदर श्वसन और निःश्वसन, ये एक चरण क्या हो गया, पूरा हो गया। अब क्या होगा, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिका श्वसन, ये तीन चरण बाकी। ठीक है, या तो हमने पढ़ लिया भाई, अब हमने कितना पढ़ लिया भाई, ये को ये देख लो, ये इसकी नाक, ये इसका माउथ, ये उसकी मुंडी, बड़ा बेकार बन गया रे ये तो। ठीक है, यहां तक तो हम आ गए थे, ये लो यहां से, अब हमने कितना पढ़ लिया देखो, ये ठीक है। अब यहां सीधा मैं सिर्फ कुपी का बना रही हूँ, ठीक है, बाकी का नहीं बना रही। अब हमने कितना कर लिया भाई, यहां से ओटू आई, नाक से आती है, ती 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 ती, कहां आ गई अभी, यहां कुपी का बना गई। ओटू को तो ये जैसे कि ये कोई कुपी का थी, ओटू आई और कहां चली गई, रक्त वाहिका के अंदर चली गई, सॉरी अभी तक यहां तक नहीं पड़ा, ओटू आई और CO2 क्या कर गई, बाहर निकल गई, और CO2 यहां से वापस निकली। इतना हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है यहां पर ये O2 और CO2 का आदान प्रदान। देखो कुपिका के अंदर होता क्या कि O2 तो यहां प्रवेश करती है और यहां से CO2 क्या करती है, बाहर निकलती है, इसे रक्त वाहिनी से, जो रक्त है रक्त के अंदर से CO2 तो कहां आ जाएगी, कुपिका के अंदर, और कुपिका से O2 क्या आ जाएगी, रक्त वाहिनी के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, गैसों का विनिमय। यही आपके श्वसन की क्रियाविधि का दूसरा क्या है, चरण होता है। ठीक है, गैसों का विनिमय। चलो अभी यहां तक हम इसी कर, यहां इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गैसों का विनिमय।